Welcome to Live Wire Transmission. I'm your host, Tarique and Javed. Now it's time to discuss textile issues. नदी टेक्सटाइल या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमने एक हमारी जो टेक्सटाइल के सिलसिले पे दो तीन जो डिमांड रही जिसको मेरा 10 साल का बेटा भी अजबर कर चुका है, शायान से भी पूछेंगे तो फ़ौरन गिनवा देगा। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उसको फ़ोन करके पूछे, शायान यू आर 10 ईयर ओल्ड, यू स्टडी इन क्लास 5, टेल मी द वाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर, तो वो बताएगा कि जी हाई रेट ऑफ करेंसी, पैसा रोका रखना और हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इस तरह की चीज़ें तीन तो बता ही देगा वो तो। लेकिन उस पर कुछ होता होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पे थोड़ी सी तो मूवमेंट हुई दार साहब के जाने के बाद, अब वो है करेंसी कि हमने देखा कि 105 से वो फाइनली मूव हुआ है टूवर्ड्स 10-11 और उसका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट आना चाहिए एक्सपोर्ट के सिलसिले में, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ज़्यादा मिलेंगी और उससे इम्पोर्ट जो है वो डिटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। तो ये क्या इसका इम्पैक्ट अब तक जो कुछ ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है लेकिन इम्पैक्ट आते आते आता है, एक तो ये कि कहाँ पे जाके रुकेगा ये रिवैल्यूएशन, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी इसके इंतज़ार में बैठी है। बाहर के जितने फंड मैनेजर्स जिनसे मेरा कॉन्टैक्ट है वो कहते हैं कि ये 15-18 जो है इज़ द करेक्ट रेट, वी आर वेटिंग फॉर दैट बिफोर वी ब्रिंग 700 मिलियन और 800 मिलियन डॉलर्स इन टू पाकिस्तान अंडर द इमर्जिंग मार्केट सिनेरियो। तो इस सिलसिले में नदीम अजहर साहब को बुलाया, वो सिल्क इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। नदीम साहब, ये जो रुपया अब 11-12 पे है और कुछ लोग कहते हैं कि 18 पे होना चाहिए, कुछ का ये ख्याल है कि 105 ही पे रहना बहुत अच्छा था, तो इसके बारे में आपकी क्या व्यू है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, रुपये को आप कभी भी रोक नहीं सकते। हमारे अनफॉर्चुनेटली फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ज़बरदस्ती इसको रोके रखा काफ़ी अरसे तक। अगर ये अपनी 4 साल के टर्नओवर में ग्रेजुअली क्वार्टरली 8 आने बढ़ाते रहते या 60 पैसे बढ़ाते रहते तो आज इतना इम्पैक्ट ना आता इम्पोर्ट की महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है। अगर वो ग्रेजुअली बढ़ाते तो महंगाई का तूफ़ान नहीं आता और हर रेट हर 3 महीने बाद मार्केट 12-8 आने को एडजस्ट कर लेती। अब अचानक आपने देखा होगा जब इसहाक डार साहब यहाँ थे तो डॉलर एक दफ़ा इंटर बैंक में 110-11 कर दिया गया और गवर्नमेंट ने उसका सारा का सारा जो ब्लेम है गवर्नर स्टेट बैंक पे डाल के और उनको ओवरनाइट फारिग कर दिया गया। हालांकि वो भी गवर्नमेंट ने ही डीवैल्यू किया था और जब प्रेशर पड़ा तो उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया और कुर्बानी का बकरा गवर्नर स्टेट बैंक को बनाया गया। अब आप देखें डॉलर दोबारा 110-75 के दरमियान रेट कर रहा है, तो इसके जो इमीडिएट इफ़ेक्ट तो आपको अभी नहीं नज़र आएंगे लेकिन जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट हैं 3 महीने बाद वो आपको एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान नज़र आएगा। देखें, हम रॉ मटेरियल बनाते नहीं हैं, रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं, उसको वैल्यू एडिड करके हम एक्सपोर्ट करते हैं अलावा कॉटन के। तो जब हमें इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा और हमारी यूटिलिटी कॉस्ट और महंगी हो जाएगी तो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी और इंपोर्ट बिल हमारा और बढ़ जाएगा और हम ट्रेड डेफिसिट में धंसते चले जाएंगे। तो सर, आप जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं की तो डिमांड थी कि रुपये को लाया जाए नीचे। देखिए, वो डिमांड आप तो माशाल्लाह इतने सीनियर एंकर हैं और बैंक में भी रहे हैं तो कभी भी डॉलर बढ़ने से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। एक्सपोर्ट का अमाउंट ज़रूर बढ़ जाता है कि 100 रुपये का डॉलर है तो अमाउंट कम होता है, 120 का डॉलर करने तो लाजमी 10% की फिजिकल नंबर्स नहीं बदलते ना, किलोग्राम में नहीं बढ़ते, किलोग्राम में नहीं बढ़ते, डॉलर में बढ़ जाते हैं। और आप देखें कि बड़ी खुशकिस्मती रही पहले 3 साल इस हुकूमत के कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भेजा और हमने उन पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, हालाँकि वो भी हमारी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। आप देखें, बांग्लादेश ने जाके सिंगापुर, बांग्लादेश ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने सिंगापुर से कॉन्ट्रैक्ट किया, बहुत बड़े बांग्लादेशी वहाँ पे काम कर रहे हैं सिंगापुर में, और हमारा उल्टा रिएक्शन हुआ कि सऊदी अरब में जो हमारे वर्कर काम कर रहे थे लाखों की तादाद में उनको फारिग कर दिया गया और उनका जगह इंडियन जा रहे। तो हमारी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की जो वज़रा है या जो सेक्रेटरीट है उसने इन 3 सालों में ये तो बहुत शोर मचाया कि फॉरेन एक्सचेंज जो है एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज रहे थे, जिस पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बहुत खुश हुआ करते थे। लेकिन आप देखें कि अब ग्रेजुअली 4th साल में फिगर आके आधी भी नहीं रही और अगले चंद सालों में ही हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अगर हमारे वर्कर बाहर काम ना किया या उनको गवर्नमेंट ने सपोर्ट ना दी
जैसे सिंगापुर से जाके एग्रीमेंट करें, सऊदी अरब से करें, दुबई से करें, हर जगह से हमारे फारिग हो रहे हैं, जापान से करें, हमारे लोग यूरोप में बहुत लोग चाहिए। हमारे यहाँ माशाल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी यंगेस्ट मैन पावर है, अगर हमने उनको इसी तरीके से यहाँ रखा तो यहाँ तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग प्रॉपर्टी के काम में जा रहे हैं और इंडस्ट्री की जगह वेयर हाउसेज बन रहे हैं। सी पैक का इतना बड़ा वादेला मचाया जा रहा है, वो उसके आफ्टर इफेक्ट सी पैक के 20 साल या 25 साल में मिलेंगे। जो आज यूथ है हमारी, आज जो यंग जनरेशन है, उनके लिए तो कोई शॉर्ट टर्म प्लान होना चाहिए कि उनको हम कहाँ खपाएंगे। ये बहुत सीरियस बात आप बता रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके टेक्सटाइल के और इश्यूज हैं, लाइक के जो आपके रिफंड रुके रहते हैं, उस पर कोई पेशरफ्त हो रही है, कोई हुई है? सर जी, आप खुद देख रहे हैं कि 3 साल हो गए, बहुत बड़े बड़े लॉलीपॉप्स मिल रहे हैं, अभी तक तो कोई रिफंड नहीं निकले। बल्कि अब तो परेशानी ये है कि जो ये डिवेल्यूएशन करनी थी, पहले तो ये ज़राए बता रहे थे कि इंटायरम गवर्नमेंट आके करेगी, ये तो चूंकि धरना पड़ गया और उसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई पॉलिटिकल सिचुएशन में, तो इनको एक इंस्टॉलमेंट लानी पड़ी डिवेल्यूएशन की। तो सुना ये जा रहा है कि जब इंटायरम गवर्नमेंट आएगी तो आपके पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिक और डॉलर और डिवेल्यू होगा, तो एक किस्म का महंगाई का इतना बड़ा तूफान आ जाएगा कि आज वैसे ही मिडिल क्लास नहीं है, या गरीब है या अमीर है, तो उम्रा की तादाद भी मेरे ख्याल बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा सारा पैसा बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्रॉपर्टी का कर रहा है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसको आप कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, वो बंद हो चुकी है या बंद होने जा रही है। सही, इस सिलसिले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इश्तहार चल रहा है इस वक्त फैसलाबाद में, इसमें लिखा जाता है कि जी टमाटर 200 किलो का और लूम ले लो 35 किलो का, कि वही जो लूम आप बता रहे हैं कि चाहे वो सिल्क हो या चाहे दूसरे लूम हो, वो सब बंद हो रहे हैं और वो 35 रुपये किलो बिक रहे हैं। लेकिन स्टील इंडस्ट्री की वायबिलिटी या प्रॉफिटेबिलिटी को साबित करने के लिए मैं ये पॉइंट बोलता हूँ कि सरिया लेने जाएंगे तो 97 का लेंगे, लूम लेंगे तो 35 रुपये का। 35 रुपये का लूम ले के अगर आप उसको पिघला दें और सरिया की शक्ल दे दें तो वो 97 का हो जाता है साहब, 62 रुपये का फ़ायदा इन द कन्वर्जन। दैट मीन्स द स्टील इंडस्ट्री इज़ मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो जिसने स्टील में इन्वेस्ट किया हुआ, मैं कहता हूँ कि आपको तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो फेनोमेना कि 35 रुपये पे आप लूम बेच रहे हैं इस वक्त, मैं इसको और एंगल से देखता हूँ। मैं इसको ना 35 रुपये से देखता हूँ, ना स्टील इंडस्ट्री का फ़ायदा देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ जो फैसलाबाद के लाखों लेबर बेरोज़गार हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे। ये आपने सोचा है? वो धरने पे जाएंगे, वो धरने पे जाएंगे क्योंकि उनको हज़ार रुपये मिलेंगे धरने पे जाने के, और तो कोई बिजनेस है नहीं। तो शायद इसीलिए लूम इंडस्ट्री को ख़त्म किया गया कि आगे धरने ही धरने होंगे, हर महीने कोई नया धरना आएगा। ये पता चला एक दिन मदर साहब धरना मार के बैठ गए, मेरी लूम इंडस्ट्री बंद हो गई, मैंने धरना मार दिया। एक दिन तारिक खान बैठ गया, आटा सस्ता करो, दूध सस्ता करो। अभी तो यही डराया जा रहा है ना हमें कि 4 जनवरी से धरने शुरू होंगे, कोई कहता है मैं कराची में धरना दूंगा, कोई कहता है इस्लामाबाद में धरना होगा। तो इस अनस्टेबिलिटी में, इस खौफ और हरास की फ़ा में कौन इन्वेस्टर आपके यहाँ? आप स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल देख लें, 53,000 से 37,000 पे आ गए, लोगों के घर उजड़ गए, घर बिक गए, जेवर बिक गए, लोग ज़मीन पर आ गए, तो इसका कौन जिम्मेदार है? जब चढ़ रही थी तो कौन जिम्मेदार था, अब गिर रही है तो कौन जिम्मेदार है? सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन क्या कर रही थी जिस वक्त स्टॉक इतना ऊपर जा रहा था और अनफेयर रेट थे? उसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि रोशन पैकेजेस बिड में 86 रुपीज़ 25 या 30 पैसे में लॉन्च हुआ था, आज उसका रेट है 37। तो क्या सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन ने चेक किया था कि इसकी इतनी वर्थ है भी कि नहीं, इसके पास इतना कैपिटल है कि नहीं? तो पब्लिक पे होता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन चेक एंड बैलेंस के लिए, पहले उसके पास अप्रूवल के लिए जाता है, वो किस लिए? नहीं, जैसे हमें पता है ये जो डच सिस्टम है, हॉलैंड से शुरू हुआ, मैं हॉलैंड में बहुत रहा हूँ। जनाब पाकिस्तान और हॉलैंड के एग्जांपल, एग्जांपल वहीं से सारे सिस्टम्स आए हैं। डच सिस्टम में तो यही है ना कि जो इनिशियली आप अपना अगर प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, आप अच्छे बोलने वाले हैं, आपको लोग जानते हैं, आपने अगर अपनी बात भिजवा दी कि भाई हम ऐसा सिल्क इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, उसमें ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं पहले वो आपके वर्थ को चेक करते हैं। इसको कहते हैं डच ऑक्शन सिस्टम है। अगर सारे बड़े बड़े लोगों ने कह दिया कि जी मदर साहब की कंपनी का तो 80 रुपये कीमत है, तो वो बन जाता है स्ट्राइक प्राइस, और जो आम इन्वेस्टर है उसको उसी रेट पे लेना पड़ता है, नहीं तो वो भी ले, क्योंकि आम इन्वेस्टर को तो 10% मिलता है ना, नहीं तो वो बड़े इन्वेस्टर ले लेते हैं। इसमें स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्राइस फाइंडिंग है।
ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, पूरी दुनिया में है। बहरहाल ऑप्टिमिज्म इतना था कि रोशन ये करेगा, रोशन वो करेगा, रोशन वो करेगा, कि लोगों ने जो रेट अमरीली को आप देख लीजिए, मैंने तो ये शुरू किया था कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं सबको मैंने कहा था कि बिड इस पर तो लेना ही नहीं, वेट फॉर इट टू कम डाउन देन बाई। तो मैंने जितने पिछले दिनों आए हैं ना, किसी में किसी को नहीं कहा कि लगाओ, क्योंकि मुझे पता था कि ओवर प्राइस होकर आएगा फिर असली लेवल पर आ जाएगा। बहरहाल तो आपने कहा कि ये रिफंड वाला भी नहीं हुआ, व्हाट अबाउट एनर्जी कॉस्ट? अब जो हमने शिफ्ट किया है एनर्जी को अपने फर्नेस ऑयल से हम जा रहे हैं एलएनजी पे, और अभी शायद कल ही मैंने कहीं पढ़ा उन्होंने कहा कि शायद अगले साल से फर्नेस ऑयल इंपोर्ट ही नहीं होगा पाकिस्तान में, यानी जो लोकल बनता है वो तो इस्तेमाल होगा, इम्पोर्टेड नहीं आएगा। देखें इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आपके कॉस्ट ऑफ एनर्जी पे? आप पॉलिसीज़ देखें कि आपने ये जो एलएनजी पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपको शायद पता होगा कि पिछले महीने बाइको नेशनल रिफाइनरी सब बंद होने के करीब पहुंच गई थी, क्योंकि वो फर्नेस सब चीज़ें बनती हैं तो फर्नेस ऑयल बनेगा, अगर वो फर्नेस ऑयल आखिर में कहाँ डालेंगे? फर्नेस ऑयल तो फेस्ट इज ऑलमोस्ट लाइक ए वेस्ट। तो आपने 10 साल उनकी एक्सपेंशन करवाई, उनकी कैपेसिटी बढ़वाई, उनको इस पे लेके आए, जब वो अपनी फुल कैपेसिटी पे आ गई और चलने के करीब आए तो आपने कहा कि इसको जी एलएनजी पे ले आए, तो एलएनजी भी डॉलर के रेट पे आएगी, पाक रुपीस में तो नहीं मिलेगी हमें? लेकिन डॉलर पे ही आएगी, लेकिन जैसे कहते हैं कि जब आप एलएनजी से बिजली बनाते हो वो 8 रुपए का पड़ता है, जब फर्नेस ऑयल से बनाते हैं बीपी 12 रुपए का पड़ता है, तो 4 रुपए का तो फ़र्क है ना जनाब। आपने कई आईपीपी से तो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किए हुए हैं कि वो चले या बंद हो, आपने उनकी कॉस्ट पे करनी ही करनी है। 17% क्या पॉलिसी कर रहे हैं? 17% आप पहले वो उनके जो एग्रीमेंट के एयर्स हैं वो तो उनके पूरे होने दें, अब उनको आप एलएनजी पे ले जाएंगे तो उसकी कॉस्ट जा जाएगी। अब देखें आप आईपीपीस के जितने भी निषाद पावर निषाद चुनिया आप देखें आधे रेट से ज़्यादा पे आ गए, उसका क्या रीज़न है? यही रीज़न है वो कह रहे हैं आप रीनेगोशिएट करो आ जाओ, तो रीनेगोशिएट पहले करना था ना, बंद करने से पहले करना था। जो रिफाइनरियों की कैपेसिटी बढ़वाई है, इतनी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो लेके आए हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने लोन्स लिए हुए, तो क्या ख्याल है कि वो उनके तो लोन्स नहीं है, पाकिस्तानी बैंकों ने दिए हुए, तो वो लोन फॉरफिट हो जाएंगे या वो लोन आगे प्रोलोंग हो जाएंगे, तो बैंकों की क्या हालत? देखिए नेशनल रिफाइनरी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी थ्रू टेक्निकल एडवांसमेंट आइसोमाइजेशन करके डबल कर ली और बंद हो गई, डबल करने के बाद बंद हो गई, हिस्टोरिकल अपनी मतलब पीक प्रोडक्शन पे आ गया था, उसने बड़ा रिफाइनरी लगा के बहुत बड़ी बिलियन ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है, कोई लाखों या करोड़ों रुपए से रिफाइनरी आपकी नहीं लगती है। तो ये बाइको भी बंद हो गया, नेशनल भी सुना बंद हो गया, अटक भी बंद हो गया, तो ये वाकई अजीब गरीब पॉलिसी। कम 5-10 साल इन द मीन टाइम आप देखें मतलब कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक तरफ ये डिसीजन हो रहा है कि 6000 मेगावाट जो बिजली बन रही है फर्नेस से वो कन्वर्ट हो जाएगी एलएनजी पे, दूसरी तरफ पीएसओ को इसका खबर ही नहीं है, पीएसओ इंपोर्ट किए जा रहा है, 12 मिलियन इंपोर्ट कर लिया उसने, किसके लिए किए पता नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं है ना, कोई कोऑर्डिनेशन, जब मुल्क के अंदर ही सरप्लस हो गया है तो आप इम्पोर्ट क्यों कर रहे हो? तो ये है प्रॉब्लम्स। चलें अभी तो बड़ी अब क्या कहेंगे, ऐसा लगता है लीडरलेस कंट्री है, चल रही है, नॉट लीडरलेस, पॉलिटिशियन लेस, ब्यूरोक्रेट लेस, हर चीज़ लेस चल रही है, कोई इस वक्त पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई अल्लाह ही चला रहा है, बस अल्लाह ही चला रहा है, सबको कुर्सी बचाने की, कोई कुर्सी लेने की फिक्र में है, कोई कुर्सी बचाने की फिक्र में है, ना किसी को आवाम का ख्याल है, ना किसी को इंडस्ट्री का ख्याल है, ना किसी को मुल्क की एक्सपोर्ट का ख्याल है। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है नदीम बदम साहब बेचारे, छोटे से छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ इन लोगों ने स्टार्ट की, सिल्क की, गरीब इलाकों में जैसे कि अपना, और इतनी जॉब क्रिएट की, आज इनका दिल इतना रोता है कि वो लूम जो बहुत उनको जिससे लगाव था, आज वो 35 रुपये की जो बिक रहा है, और उसी को कोई स्टील वाला ले जाके उसको सरिया बना के 97 का बेच रहा है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी तादाद में हो गई, उस ज़माने में मुझे याद है शुरू में थोड़े से पैसे में लूम मिल जाते थे और 4-5 लोग उससे एम्प्लॉय हो जाते थे, पता चला बीवी भी काम कर रही है, बच्चा भी लगा हुआ है, बड़ा आदमी भी लगा हुआ है, वो सारी जॉब्स थी छोटी छोटी औरंगी चुरंगी करंगी में इन्होंने लगाए थे, अब वो सब बेकार हो रहे हैं, अब वो लोग बेकार होकर क्या करेंगे, सवाल यही पैदा होता है। फैसलाबाद की जितनी लूम्स बिक रही हैं किलो के हिसाब से, उस पर जो लोग काम करते थे वो धरना देंगे, डंडा उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे, क्या करेंगे, अब आप खुद ही सोचिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।